माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव के करीब आ गए। फिर से सैटरडे आ गया। वीक में मंडे से सैटरडे हम लोग के पास में जो टास्क होते हैं, मुझे लगता है कि सैटरडे कंपनी को बुलाने का काम दूसरा चालू हो जाता है, और जब तक ज्वाइनिंग्स पुरानी हो रही होती हैं। सही पूछिए, हर एक लोग ड्रीम करते हैं कि कैसे उनको इंगेजमेंट्स मिले जिसमें वो मैक्सिमम टाइम लग जाए। हम लोगों के पास में 24 आवर्स कम पड़ने लग गए हैं, वो इस पर्पज़ से कि देखिए, एक कैंडिडेट को एनालाइज करना बहुत काम, आप एक कैंडिडेट को राइट मेथड में एनालाइज करना, फिर कंपनी से बात करना, फिर उनको ले जाना, फिर कैंडिडेट से भी फेस टू फेस मिलते जब हैं। एक जनरल अच्छा आप रिज्यूम अपना जमा कर दीजिए, एक एड्रेस हम आपको भेज देते हैं और आप जॉब चले जाइए। ये एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड के बेसिस में आप एक जॉब कैंडिडेट को बहुत अच्छा नहीं दिला सकते हैं। पहले हम लोग भी इसी को ऐसे समझते थे अपने शुरुआती दौर में, जब कुछ जॉब हंट ड्राइव हुए थे, कुछ नहीं यार, चलो अच्छा अभी एक कंपनी को कुछ बुला लिया, कुछ इंटरव्यू करा दो, अच्छा कल वो लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, अच्छा अपना नाम देख लो, तो पता चला कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट टाइप का जॉब हंट वो था। हम लोग उसी तरह से कर रहे थे काम। बाद में रियलाइज़ हुआ, अरे ये ऐसा नहीं है भाई, इसमें तो बहुत कुछ है, इसके अंदर तो बहुत लेयर्स हैं, और जब लेयर्स निकली है ना माय डियर फ्रेंड, तो मज़ा आ गया। सही बताऊँ आपको, कानपुर में धूम इसलिए मची है जॉब हंट ड्राइव के नाम से। कारण क्या है, यहाँ से वर्क ईमानदारी के साथ वर्क किया गया, थॉट लेवल पे काम किया गया। उद्देश्य क्या है, जॉब मिल जाए, सही प्रोफाइल मिल जाए, सही जॉब मिल जाए, पढ़ा लिखा है, ज़रूरत ये है, ये सोच है ना, जिससे मिल रहे हैं उसकी जगह जा करके थोड़ा महसूस करना है, फ़र्क पड़ रहा है, जॉब अच्छी, वो शुरुआती दौर का जो अलग था, अभी तो ये समझ में आ गया है। तो आप लोगों की बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ रहती हैं, और मंडे टू सैटरडे का टाइम पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैंने बहुत लोगों से कहा है जो कंप्यूटर जानते हैं, वर्किंग जानते हैं, प्रोफाइल मैच करना जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो एक जॉब हंट ड्राइव भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आकर के एक्सपेरिमेंट कर, काउंसलिंग जॉब आपको चाहिए कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का डेटाबेस और बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि अभिषेक सर को भी सपोर्ट में कुछ कैंडिडेट चाहिए होते हैं, रात में 10:30 पर जाते हैं बिना चिचलाए हुए। रीज़न क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केवल एक है। कहते हैं लोग ऑफिस कितने बजे खुलेगा, उनको मैं बता दूंगा सुबह 9 बजे आ जाओ, रात में 9 बजे खुलेगा तो डर जाएंगे वो। रियलिटी ये कि अगर आप जिम्मेदारी एक लेते हैं ना कि कैंडिडेट को जॉब के लिए पहुंचाना है, जॉब दिलानी है, केवल इंटरव्यू नहीं करा देना, फ़र्क समझना है, पैकेज बढ़ाना है, चेहरा ऐसे वाला देखना है, ये फ़र्क अलग पड़ता है। कुछ को डांट करके पहले कम में कराया है, बट बाद में बढ़ा गया है पैकेज। माय डियर कैंडिडेट, एक सही अप्रोच सही तरीके से की जा रही हो, आपका काम, आपकी भी जिम्मेदारी है। पूरा वीडियो देखने के अंदर डालिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत का पहले देख लिया और आखिरी का देख लिया, और बीच में कंपनी कौन सी आपके मतलब की आपको पता है क्या? नहीं पता। अभी कल 2 कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे वीडियो देखने की कुछ लोगों ने आदत ही बना ली मैंने देखा। बोलते हैं सर मैं कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूँ। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो कंपनी बताता हूँ क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि कई चीज़ें उनको मिल जाती हैं और वो उनको बेनिफिट देती हैं, उनसे उनको बेनिफिट हुआ होगा पुराना यहाँ से, तभी वो ये बात को कह रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आदत डालते चलिए पूरा वीडियो डालने की, इत्मीनान से, अपने लिए भी समय देना, अपने अच्छी प्रोफाइल के लिए भी देना है, अच्छी कुछ सुनने के लिए भी देना है। 10-15 मिनट का वीडियो है, मन से पूरा ढंग से देखिए कौन कौन सी कंपनी है, क्या प्रोफाइल है, क्या कह रहे हैं, क्यों जरूरी है कि, और जल्दी से देखिए, आज देखा नहीं, आज बिजी थे, आज मूड नहीं, अरे आदत डाल दीजिए। क्या कभी आप कहते हैं आज घर में समस्या, चलो सुबह ब्रश नहीं कर पाई, ये तो नहीं बोलते ना, आज मूड ख़राब है, चलो आज तबीयत नहीं ठीक है, चलो आज ब्रश नहीं करेंगे, आज ऐसे ही चल देंगे। यू कॉन्ट से लाइक दिस। किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात में आप अपने आप को मिनिमम चीज़ों में एक्वायर करते हो, उसी मिनिमम चीज़ों में एक चीज़ ज़रूरी है, आज है क्या नया, कौन सी जॉब नहीं है, कौन सा पैकेज वही है। और ऐसे भी नहीं, अरे ये तो कल ही देखा था, कल ही, आज वाली कंपनी वही है, कंपनियां थोड़ी ना कानपुर के आसपास की बदल देंगे, पैकेज प्रोफाइल बातें क्या कहा क्या नहीं कहा ये बदलेगा। तो करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है उद्देश्य को, लोगों को बताना है, शेयरिंग ज़्यादा करनी है।
आ जाते हैं कंपनीज में, नहीं तो फिर बताते बहुत कुछ चले जाएंगे। सैटरडे आ गया है, मंडे से सैटरडे को पता नहीं चलता है। कल वाला वीडियो तो भूल ही मत जाइएगा देखना, सच बता रहे हैं आपको, पूरा देखिएगा वीडियो कल का, कुछ धमाल होने वाला होगा, तभी कह रहा हूँ आपसे। कल रात का वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कि कल सैटरडे फ्राइडे की नाइट का वीडियो जिसने छोड़ा वो गया, जिसने छोड़ा वो गया। क्यों गया? क्योंकि पता है आपको, हम और अभिषेक सर दोनों लोग कम से कम मैक्सिमम कंपनीज को मैसेज फ़ोन कॉल्स के पीछे पड़ जाते हैं अपनी बातें निकालने के लिए, क्या चाहिए आपको, कौन सा बंदा चाहिए, किस पैकेज में चाहिए, अरे इसको इतना ही, बहुत मेहनत होती है साहब। इसलिए कल रात का वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। जितने लोगों ने गलती करी है ये गलती नहीं करेंगे। आ जाते हैं, अगर आप सीनियर डिस्पैच मैनेजर की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, 40 से 70 का पैकेज है, और साथ में कंपनी में अगर प्रेशर है, कुछ झेलने की भी ताकत हो, थोड़ा कोई बोल दे, खराब कह दे, मूड खराब हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों में डिस्टर्ब ना होते हों, सीनियर को सुना दे, सब टेंशन में जा हों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसी कंपनी में भी आपको अगर झेलने की ताकत हो तो आप, ऐसा नहीं कि डरा रहा हूँ आपको, पैकेज सही है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर बढ़िया है तो आप ये पैकेज मिल जाएगा। डिस्पैच मैनेजर वीके पैकवेल में रिक्वायरमेंट है। सारी बात मैंने कह भी दी, मतलब भी आप समझ गए होंगे। सीए एंटर अगर आप हैं, सीनियर अकाउंटेंट, कल सीए के एग्ज़ाम में बहुत लोग पास हुए हैं, सीए एंटर जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा पैकेज है, 35 से 50 का। और अगर आप बीएससी कैंडिडेट हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है आपके लिए आजकल, आजकल बीएससी इतने लोग करते हैं ग्रेजुएशन में, मैंने आज कुछ लोग के परसेंटेज देखे, कोई 55, कोई 52, कोई 60 के क्रॉस करना लगता है, बीएससी वालों को थोड़ा टफ हो गया है आजकल, ऐसा लगता है मुझे। 60% मार्क्स चाहिए बीएससी कैंडिडेट हो, रेणुकूट बनारस के पास में रहना चाहते हो, रहने की जगह वो दे रहे हैं, खाने का कुछ पैसा कटेगा, 3 लाख पर एनम है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी देखना काम होगा, मेजरली सुपरवाइजरिंग जॉब है, मन हो, घर वाले बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, कानपुर से उबे हुए हो, बाहर जाने का मन हो, अपनी कमाई करने का मन हो, बीएससी हो, जाग जाओ, जाग करके यहीं पे आ जाओ। ग्रुप है हिंडालको, आदित्य ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप का पैकेज आपके लिए रेडी है। कितना रेडी है? 3 लाख पर एनम। कल एक कैंडिडेट ने फ़ोन कर दिया, सर ये 3 लाख पर एनम हर महीने मिलेगा क्या? अरे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो भैया, 36 लाख का पैकेज हो गया क्या बीएससी 60% वाले का? कॉमन सेंस भी लगाओ, 3 लाख पर महीने, मंथ नहीं, 3 लाख पर एनम का पैकेज है। 3 लाख, 5 लाख का पैकेज सीनियर एक्सपीरियंस सीए वाले कैंडिडेट्स या एक्सपीरियंस जीएम प्रोडक्शन वाले लोगों का आता है, थोड़ा सा ध्यान दें। बेकार के क्वेश्चन जब फ़ोन में आप पूछते हैं तो फिर ख़राब रूट भी एकदम से आ जाता है, कौन पूछ रहा है ये। राधा रमन में मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, उन्होंने मैरिड लगाया, उसके पीछे रीज़न तो नहीं पूछा, पता नहीं कैसे मैकेनिकल क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा कर लेगा, शायद मैरिड ज़्यादा अच्छा करते हों या उनके भागने के चांसेस कम होते हैं, ये कारण होगा। मैरिड वाला इसलिए कह रहे होंगे, थोड़े लोगों ने किया चले गए, अब मैरिड वाला जो है उसके पास जिम्मेदारियाँ फंसा है, अब देखो कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, अगर तुम फंसे हो, तुम्हारे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, तो भागोगे नहीं इधर उधर, तो उसे पहले ही से बंधे बंधाए लाओ जो भाग नहीं पाए। तो मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर जिनके पास डायमेंशन का अच्छा हो, टेस्ट होगा उनके इमीडिएट, और मैरिड जनरल सुपरवाइजर, ये मैरिड के पीछे पड़ गए हैं। कुल मिला के कि मैरिड अगर आप हैं तो आप ठीक हैं, नहीं तो उनको कुछ लोग उनको दे के गए होंगे, ये जो नए कैंडिडेट है ना, ये इनके यहाँ ज्वाइन किए होंगे, भागे होंगे, काम डिस्टर्ब हुआ होगा, तो इन्होंने अपनी एक लॉ बना लिया, ये सारे जितनों को ज़रूरत नहीं होती है सब बेकार होते हैं, इसलिए मैरिड पकड़ो अब। तो मैरिड अगर आप है तो इन्होंने अलग से भेजा है मैसेज। TPI अंडर कैरियज में भी बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे यहाँ से ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी अच्छा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि क्योंकि बॉस कभी कभी अचानक से किसी को डांट दे तो बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, उनके मूड का पता नहीं होता है कभी कभी, तो इसलिए बॉस में कौन है ये मैंने नहीं बताया, नहीं तो मेरे वीडियो को देखेंगे कहेंगे ये तो ऐसे बता रहे हैं। तो हल्का सा देखिए, एक बात और समझिए, मुझे लगता है कि आज
जो 90 के पैदाइशी हैं या 2000 के बाद के पैदाइशी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास एक चीज़ कम हो गई है, कहते हैं यार नौकरी छोड़ा है, बस उनको बात करने का तरीका नहीं आता था। अरे उनको क्यों छोड़ा है तुम, वो खुद ही डिस्टर्ब है, उनकी बैटरी खुद ही गई है, तुम तो डिस्टर्ब ना हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज रखो। किसी के खराब बोल देने से, बहुत अजीब बिहेवियर कर देने से आपको अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब है, उसकी बैटरी गई हुई है, तो तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम उसी वक्त दिखाओ। आज का मेरा स्टेटस आप लोग देखिएगा, एक बीके शिवानी का एक स्टेटस मैंने डाला है। ताकत तब की नहीं है जब आपको सब लोग आपको बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, तब आप काम कर लेते हैं। आपका टेस्ट पता कब है, जब आपके बहुत करीब और ख़राब लोग भी करीब और बहुत ख़राब बोलते जब हैं, और तब आप वो निकाल लेते हैं, तब आपकी रियलिटी में टेस्ट होता है। आपके साथ कोई बहुत अच्छा बोल दे, बहुत अच्छा बिहेवियर कर दे, आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दे, सबका आपके लिए अच्छा करते रहे, तो आप तो ऐसे ऐसे करके एकदम लाल टमाटर की तरह एकदम हमेशा रहेंगे। जब कोई आपके साथ ख़राब बोल देता है, गलत बोल देता है, और आप गलत नहीं भी होंगे या उसने गलत समझा होगा, उस वक़्त आप कैसे बिहेव परफॉर्म करते हैं, वही आपका रियल टेस्ट है। वैसे तो आप सब बने हुए हैं, अच्छे हैं। तो कभी कभी मैंने देखा कुछ कंपनी से फीडबैक आता है कि उन्होंने ऐसा कहा तो उनका मूड, अरे सर आज तो उन्होंने ऐसा कह दिया, और जब मैंने उनसे बात करी उनको ठीक कर दिया, तो जाके वो वर्क भी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा मेंटल टफनेस आनी पड़ेगी, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग 2000 के बाद में जो आ रही है डेट ऑफ बर्थ के बाद की, उनमें कैंडिडेट्स ने करा क्या है कि वो थोड़ी क्षमता कम हुई है उनका, सुनने की समझने की क्षमता कम हुई है। तो इनके पास सेल्स और मार्केटिंग का 30 का पैकेज है, इंडस्ट्री अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, बात कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, बीटेक मैकेनिकल या डिप्लोमा वाले हैं तो और अच्छा है। प्रेसिटेक्स इक्विपमेंट में स्मार्ट फीमेल एक्सिक्यूटिव ट्रेनी चाहिए, वेल वर्ड विद कंप्यूटर ऑपरेटर। ये वो सारी फीमेल्स जो ठीक हैं बात करने में, समझने में, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए 3 से 4 प्रोफाइल हैं, स्टोर एंड परचेज, पोस्ट सेल्स, टेंडर पार्टिसिपेशन, ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी, रेडी हो जाइए। सारी वो फीमेल्स जो नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि कोई 35-40 का पैकेज नहीं दे रहे हैं, 15 से 25 के पैकेज में आप आ जाएंगे, सारी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एस्ट्रल एडिसिव में दिल्ली NCR, बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई, ये पैकेज की बात में, इसमें जूनियर लोग काम नहीं करेंगे, जो पैकेज बता रहे हैं की अकाउंट मैनेजर 10 लाख से 16 लाख का पैकेज है, ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। एस्ट्रल एडिसिव में बीटेक बी मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड 35। सुपर हाउस फीमेल ऑफिस कोऑर्डिनेटर में अर्जेंट जरूरत है। सुपर हाउस में देखिए 4-5 रिक्वायरमेंट है, फीमेल ऑफिस कोऑर्डिनेटर, सुपर हाउस परचेज मैनेजर, सुपर हाउस प्रोडक्शन मैनेजर, PPE यार्ड फैब्रिक एक्सपीरियंस ऑफ रोप मैन्युफैक्चरिंग, सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, सुभाष मसाले में सीनियर अकाउंटेंट एडमिन, ये 3 से 4 रिक्वायरमेंट सुपर हाउस की बताई। अभी FMCG में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, एडमिन मैनेजर चाहिए, फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, FMCG सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो अर्जेंट चाहिए। हंस एनर्जी में ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, परचेज मैनेजर 35, ई टेंडर एग्जीक्यूटिव 30, HR रिक्रूटर 25, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर R&D, भारतीय एग्रो में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए, डेन नेटवर्क में स्मार्ट प्रेजेंटेबल BDM चाहिए, लोहिया कॉर्प में मेंटेनेंस हेड 15 लाख से 20 लाख, PNC इंफ्राटेक में प्रोजेक्ट मैनेजर अकाउंट ऑफिसर SAP असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट 4 लाख से 20 लाख, कैनल लाइट्स में मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल BSc कैंडिडेट फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज चाहिए, किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर, मार्केटिंग कैंडिडेट फीमेल CRM, मेल फीमेल ऑटोकैड एंड 3D डिजाइनर, नवीन टेक्सटाइल में मर्चेंडाइजर फैक्ट्री सुपरवाइजर, मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट, भवानी स्ट्रक्चर में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस इनको चाहिए, सुपर हाउस में रूमा उन्नाव सीनियर अकाउंटेंट 25-35 का पैकेज, प्रेसिटेक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 25, जूनियर अकाउंटेंट, ई टेंडर एग्जीक्यूटिव, दूसरी CNC इनको टर्निंग ऑपरेटर चाहिए, CNC टर्निंग प्रोग्रामर चाहिए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, स्टोर कीपर, स्टोर कलर चाहिए, महिंद्रा HR में वर्कशॉप मैनेजर, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, सर्विस एडवाइजर, मास्टर जॉब कंट्रोलर टेक्नीशियन 35 तक चाहिए, रहमान एलाइज में जाजमऊ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आदर्श इंडस्ट्री में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव चाहिए, फीमेल टेलीकॉलर चाहिए, अशोक मसाले में स्टोर एक्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, स्कॉन इंजीनियर में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पैनल का वर्क जानते हो, UI ट्रेनर में सेल्स मैनेजर फिटर इलेक्ट्रीशियन
प्लम्बर आर ओ ऑपरेटर चाहिए, मोनी चाय में टैली अकाउंटेंट का एक बंदा चाहिए, फीमेल स्टाफ ऑनलाइन सेलिंग के लिए चाहिए, FMCG सेक्टर के लिए, जनरल ट्रेड के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, UI ट्रेनरों में, जूनियर डेवलपर में, CSS वर्ल्ड प्रेस जावास्क्रिप्ट के लिए बंदे चाहिए, स्वदेशी ग्रुप में FMCG सेल्स के लिए कैंडिडेट चाहिए, गंगा इंफ्राबिल्ड में सैप ऑपरेटर ई टेंडर एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, कपिला पशु में स्टोर इंचार्ज विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए, रेनू ब्रॉडबैंड में BMEL HR एग्जीक्यूटिव चाहिए, RSG प्रोफाइल में इनको बिलिंग और GST थोड़ा सा जानता हो, अर्जेंट ज्वाइनिंग्स वाली ये प्रोफाइल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट में शेयर करी हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक एक कंपनी में रिक्वायरमेंट पूछ के उनसे बात करके कब भेजना है, जब कैंडिडेट सामने आते हैं उनसे बात करके तुरंत भेजने का काम भी रहता है, फिजिकली मीटिंग भी रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि आपका फिजिकल मीटिंग आना बहुत ज़रूरी रहता है। फ्राइडे को कल का वीडियो रात का देखना नहीं भूलिएगा, और नेचुरल ये सैटरडे को आपके लिए बहुत सारे नई चीज़ें कल आपको दिखाई देंगी, पूरा वीडियो देखने की आदत जरूर डालिए, लोगों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, MySureJob.com। थैंक यू।